तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी, क्लास 11। ठीक है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो जर्नल का, हमने बहुत बहुत सारा टॉपिक कर लिया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ जर्नल, फीचर्स, फंक्शन, एडवांटेज, लिमिटेशंस, फॉर्मेट, रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है, फाइनली आज मैं आप लोगों को किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है जर्नल में, इसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कुछ ट्रांजेक्शन, तो मैंने बहुत सारा सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन आज के क्लास में रखा है। ठीक है, एंड उससे मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से रिकॉर्डिंग का किया जाएगा। तो मान लेते हैं, सपोज दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ रोहित एंड ब्रदर्स। ठीक है, रोहित एंड ब्रदर्स कंपनी का कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने दिया हुआ है। इतना सारा ट्रांजैक्शन है, मैंने टोटल 30 ट्रांजैक्शन लिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि इसको जर्नल में एंट्री करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आप जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे? तो मैंने रूल्स में समझा दिया था कि जर्नल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना होगा कि किस टाइप ऑफ अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, एंड जो टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है उस तरीके का रूल आपको यूज करना होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में से। ठीक है, तो पहले मैं सबका एनालिसिस एक एक करके दिखा रहा हूँ, एक एक ट्रांजैक्शन का। उसके बाद जो फॉर्मेट मैंने दिया था उसमें कैसे डालेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2019 आप देख रहे हैं, अप्रैल 1, उसके बाद 2, 4, 5, 7, 9, 10 ऐसे दिया हुआ है। मतलब ये अप्रैल 2 है, अप्रैल 4 है, अप्रैल 5 है, अप्रैल 7 है, एंड अप टू अप्रैल 30 तक का है। और एक एक दिन में कभी कभी दो दो ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, जैसे अप्रैल 30 का दो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, एक एक दिन में तो कई हजार, 100 लाख ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन से आज समझते हैं। पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या बोला है, रोहित एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने किया हुआ है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, कैश के साथ साथ क्या आता है, क्या कैश बढ़ता है, साथ साथ कैपिटल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो रोहित एंड ब्रदर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। कैश इज अ रियल अकाउंट, है ना, और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है इसलिए हमने कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो ये कैपिटल हो गया, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसीलिए ये ट्रू कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट वाले को इस तरीके से लिखा जाता है, एंड क्रेडिट के लिए मैंने समझाया था पिछले क्लास में कि थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको लिखना है ट्रू कैपिटल अकाउंट। इसके आगे आपको CR करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसका अमाउंट कितना आएगा, इसके आगे 50,000, 50,000। तो ये फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन का हो गया। नाउ सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोला है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसमें एनालिसिस कीजिए, गुड्स परचेस किया, गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस के लिए जो गुड्स चाहिए वो गुड्स। ठीक है, मतलब जिसको रीसेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सामान खरीद रहे हैं वो गुड्स का मतलब है यहाँ पर गुड्स। ठीक है, कोई खुद के लिए खरीद रहे हैं या फिर कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं वो गुड्स नहीं, ये बिजनेस के लिए। तो कैश में गुड्स खरीदा, तो इसका मतलब यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। तो कैश इज ए रियल अकाउंट, तो जो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे थे। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तब हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसका एंट्री इस तरीके से होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पहले दिमाग में एनालिसिस कर लेना है, हाँ क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और क्या खरीदा हमने, गुड्स खरीदा, यानी कि परचेज अकाउंट। गुड्स खरीदने से ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट देखो 20,000, ये परचेज के अगेंस्ट में लिखा है, 20,000 किसके अगेंस्ट में लिखा, कैश के अगेंस्ट में लिखा है। नाउ जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, मैंने बोला था नरेशन भी होना चाहिए, तो आगे एक दो एंट्री और बता दूं, फिर मैं नरेशन के साथ सारा एंट्री समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वाले का हो गया जिसमें था परचेज गुड्स फॉर कैश। नाउ थर्ड वाले में क्या है, देखो थर्ड वाले मतलब अप्रैल 4 में परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष। अब इसको समझना है, यहाँ पे ये भी परचेज गुड्स है, ये भी परचेज गुड्स है, यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम संतोष। तो फॉर कैश लिखा है मतलब ये कैश दे के खरीदा है, पैसा दे दिया है नगद। ठीक है, लेकिन किसी का नाम लिखा है, जैसे फ्रॉम संतोष लिखा है, दैट मीन्स ये कैश नहीं दिया है, संतोष से ऐसे ही लिया है, बाद में पैसा देंगे, दैट मीन्स संतोष इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पर सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और संतोष क्या है, एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ने से हम क्या करते हैं उसको, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं उसको, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश नहीं होगा, गलती से कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा टू संतोष, टू संतोष, परचेज अकाउंट डेबिट टू संतोष। ठीक है, और अमाउंट होगा
10,000, 10,000, ओके। नाउ नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। और अब यहाँ पे परचेज का मैंने सब एक साथ इसलिए रखा, देखो परचेज गुड्स जब लिख रहे हैं तब परचेज अकाउंट लिखेंगे, लेकिन कोई रियल अकाउंट, कोई एसेट जब परचेज कर रहे हैं तब हम लोग परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। परचेज अकाउंट सिर्फ तब लिखेंगे जब हम लोग गुड्स, परचेज गुड्स अगर है तब लिखेंगे परचेज अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर परचेज करें मतलब घर में फर्नीचर परचेज करके लाया, मतलब क्या घर में जब फर्नीचर आया तो फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट देखो कितना है 8,000, टू किसमें कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट 8,000, ठीक है। ये कौन सा वाला हो गया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नाउ परचेज वाला हो गया, अभी सोल्ड वाला देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये वाला एंट्री, गुड्स बेच दिया, ठीक है। जिस तरह से परचेज गुड्स पे परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सोल्ड गुड्स पे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, गुड्स बेच रहे हैं और हमको कैश मिल रहा है, दैट मींस कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो कैश इंक्रीज या कैश आ रहा है तो इसके लिए क्या होगा, कैश डेबिट होगा, ठीक है। तो देखो कैश डेबिट किए और हमने सेल किया है इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स किया, सेल से क्या होगा, इनकम आएगा, हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा ना। तो इनकम वाला अकाउंट के लिए क्या था, नॉमिनल अकाउंट में था ना, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सेल्स करने से हमको क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इसलिए इसको देखो क्रेडिट किया हुआ है 13,000। कैश आ रहा है हमारे पास, कैश को डेबिट किया 13,000 एंड सेल्स किया हमने, तो सेल्स से क्या होता है, कमाई होता है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है 13,000। अब देखो नरेशन, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये एक कंप्लीट जनरल एंट्री होगा, ठीक है। नाउ सोल्ड गुड्स टू हिमानीज, अब इसके ऊपर वाले एंट्री में था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने ये एंट्री किया, इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू हिमानीज, मतलब गुड्स बेचा तो है हम लोग ने लेकिन कैश नहीं मिला, हमने हिमानीज को बेचा, तो हिमानीज इसका मतलब है बाद में पैसा देगा। वो पूरा लिखा नहीं है लेकिन ये समझ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा है, अगर फॉर कैश लिखा होता तो हमको समझ में आता कि ये कैश मिल गया ये सामान बेच के, लेकिन यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू हिमानीज, इसका मतलब हिमानीज को बेच दिया है। कभी कभी होता है ना, दुकान से हम उधार लेके आते हैं बाद में पैसा देते हैं, वही केस है, हिमानीज को हमने गुड्स बेच दिया है, पैसा हम बाद में कलेक्ट करेंगे। तो इसमें सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा, हिमानीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसमें एंट्री क्या आएगा, हिमानीज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल से क्या होता है, एक रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, तो ये हमारा क्रेडिट में आएगा। और हिमानीज क्योंकि एक डेटर है, ठीक है, तो डेटर इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट करना पड़ता है। हिमानी डेटर कैसे हो गया, क्योंकि हिमानी से पैसा लेना है हमको, ठीक है। जैसे किसी से अगर हम उधार में खरीदते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है, किसी को अगर उधार में बेचते हैं तो उससे पैसा हमको मिलेगा, जिससे हमको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं डेटर, डी सॉरी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटर, डी ई बी टी ओ आर, डेटर, बी साइलेंट है इसमें, ठीक है। और डेटर हमारे लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। और नरेशन, फॉर गुड सोल्ड टू हिमानीश ऑन क्रेडिट, और ये नहीं भी लिखेंगे फॉर गुड सोल्ड टू हिमानीश लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्रैल 9 का एंट्री। नाउ अप्रैल 10 का एंट्री, पेड टू संतोष, संतोष को पैसा दिया, संतोष कौन है, देखो अप्रैल 4 में हमने संतोष से सामान खरीदा 10,000 का, है ना, यानी कि उसको पैसा देना है, तो उसको अभी हमने 8,000 रुपये दिया, पेड टू संतोष। तो पेड टू संतोष का एंट्री क्या होगा, देखो संतोष को पैसा दे रहे हैं तो क्या होगा, कैश जा रहा है हमारा, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो और संतोष क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी रिड्यूस हो रहा है, तो संतोष अकाउंट डेबिट, संतोष को डेबिट करेंगे, और कैश घट रहा है इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट कितना है इसमें 8,000 दिया हुआ है तो 8,000, ठीक है। ये मैं एक एक करके अभी जस्ट एंट्रीज दिखा रहा हूँ, बाद में पूरा फॉर्मेट में कैसे ये रहेगा इसी क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे पूरे फॉर्मेट में जर्नल का इसको डालना चाहिए। तो संतोष को डेबिट किया 8,000, टू कैश अकाउंट 8,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिमानीश। अभी ये हिमानीश कौन है, हिमानीश वो है जिससे जिसको हमने 9 तारीख को सामान बेचा था, अभी 12 तारीख को वो पैसा दे रहा है, उसने 15,000 का लिया था और 10,000 वो हमको पे कर रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है ना इससे, तो कैश अगर रिसीव हो रहा है तो क्या होगा एंट्री, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है,
कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रेडिट किसको करेंगे, हिमानी को करेंगे, टू हिमानी। क्यों, हिमानी डेटर है और डेटर ने अपना पैसा दे दिया। जैसे कि हिमानी से 15,000 लेना था ना हमको, हिमानी से कितना लेना था, 15,000 लेना था, तो 15,000 में से ये हिमानी अकाउंट में 15,000 है, 15,000 में से वो 10,000 दे दिया, तो अभी कितना है, 5,000। दैट मीन्स डेटर का वैल्यू 15,000 से 5,000 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डेटर डिक्रीज होने से हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेटर इज ए एसेट, एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाता है। तो इसका नरेशन होगा फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिमानिश। नेक्स्ट 16 तारीख को क्या घटना हुआ देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मानस फॉर कैश। अब यहाँ पर मैंने नाम के साथ साथ फॉर कैश भी लिख दिया। अब मानस से सामान खरीदा ये लिखा हुआ, अगर सिर्फ यहाँ तक रहता तो हम समझते कि ये क्रेडिट में लिया है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है मानस से सामान तो लिया है लेकिन कैश में ही लिया है, तो इसको हम लोग कैश वाला ट्रांजेक्शन जैसे होता है वैसे ही लिखेंगे। कैश वाला ट्रांजेक्शन जो मैंने ये वाला दिखाया था परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी सेम वही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग नरेशन में खाली मेंशन कर देंगे कि ये सामान जो है मानस से खरीदा है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम मानस लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी होगा। और अमाउंट 9,000, 9,000 ये डेबिट कॉलम में 9,000, क्रेडिट कॉलम में 9,000, ठीक है। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इसका मतलब ये क्रेडिट में खरीदा है, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, अमाउंट देखो कितना है, 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 डाल दिया है फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। नाउ नंबर 18 ट्रांजैक्शन में देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को सामान बेचा लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कैश में बेचा है, तो ठीक है कैश में बेचा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश में अगर सामान बेच रहे हैं हम तो हमारे पास कैश आएगा, है ना, तो कैश अगर हमारे पास आएगा तो इन दैट केस कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कैश डेबिट। और ये किस वजह से हो रहा है, सेल करने की वजह से, सेल इज रेवेन्यू, तो टू सेल्स अकाउंट 12,000 फॉर गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, या फिर हम लोग सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है नंबर 19, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, ऊपर वाले में था सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, इसमें सिर्फ सोल्ड गुड्स टू सुरेश है, दैट मीन्स ये वाले ट्रांजेक्शन में पता चल रहा है कि हमको कैश रिसीव नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ हमने बेचा है, जैसे इसमें था ना सोल्ड गुड्स टू हिमानिस, तो इसमें हिमानिस डेटर बन गया था, तो ये भी इसमें डेटर बन जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट देखो 7,000, ठीक है, फॉर गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, इससे पहले वाला था ऑन कैश, अभी है क्रेडिट। ट्रांजैक्शन 20 देखिए, ट्रांजैक्शन 20 में क्या बोला है, ट्रांजैक्शन 20 मतलब अप्रैल 20 का बात करें, इसमें बोला है बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में सॉरी बॉट मशीनरी फॉर कैश, कैश में क्या लिया है, मशीनरी लिया है, बॉट मशीनरी फॉर कैश, तो ये होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर परचेज मशीनरी फॉर कैश लिखा होता तो भी यही एंट्री होता, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी भी कोई रियल अकाउंट मतलब एसेट्स वगैरह अगर खरीद रहे हैं या इन उसको वो आ रहे हैं हमारे पास, वो हमेशा डेबिट किया जाता है, कैश भी एक एसेट है, मशीनरी खरीदने की वजह से कैश घट रहा है, तो इसलिए कैश को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, 8,000 नरेशन देखो फॉर मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो जर्नल है, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रैल 24 का है, क्या बोला है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, मतलब रोहित एंड ब्रदर्स कंपनी है, उन्होंने क्या किया, ऑफिस से, ऑफिस का जो कैश है वहां से पैसा ले लिया, और वो किस लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए लिया, तो पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश लेते हैं बिजनेस से वो क्या हो जाता है, वो होता है ड्रॉइंग्स, पहले भी मैंने बताया था उसको, उसको एक अलग टर्म से बोला जाता है, दैट इज ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स जब भी करेंगे उसको हमेशा डेबिट करना चाहिए। आप ड्रॉइंग्स क्या चीज में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस का कैश रिड्यूस हो रहा है, तो कैश जब इंक्रीज होता है मैंने बोला डेबिट करना है, तो कैश रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, जितने बार भी हमने देखा जब भी कैश रिड्यूस हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो कैश रिड्यूस हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला गया है, तो पर्सनल यूज के लिए हम यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स लिखते हैं, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट कितना है 2,500, तो 2,500 हमने डेबिट में लिखा है, 2,500 हमने क्रेडिट में लिखा है। उसके बाद अगला जो एंट्री है वो है अप्रैल 27 का, ये देखो अप्रैल 27, इसमें पेड रेंट, रेंट पे किया, तो रेंट पे करना मतलब क्या, ये तो खर्चा है ना,
एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को क्या करना चाहिए याद करो, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के बारे में क्या बोला गया है, एक्सपेंस के बारे में ये बोला गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इनकम के बारे में बोला गया क्रेडिट ऑल इनकम। तो रेंट अगर एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। और पेड रेंट, अब इसमें ये नहीं बोला है फॉर कैश या क्या किस में पेमेंट किया है, तो इसमें आपको कॉमन सेंस यूज करना है भाई, रेंट दे रहा है, अगर चेक वगैरह कुछ लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली कैश में ही दिया है, तो इसीलिए इसका एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट को डेबिट करे बिकॉज इट इज एक्सपेंस, और कैश को क्रेडिट करे क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जब घटता है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और नरेशन देखो, फॉर रेंट पेड। उसके बाद अगला जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो है अप्रैल 29 को, ये हुआ पेड वेजेस। अब ये आसानी से आप समझ सकते हैं, वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग, अपने अपने अंडर पे वर्कर को काम कराते हैं तो उसको वेजेस पे करना पड़ता है, तो ये क्या होता है, ये जनरली एक्सपेंस होता है। तो अभी अभी मैंने बताया एक्सपेंस को क्या करना चाहिए, एक्सपेंस को करना चाहिए डेबिट, यानी कि इसमें क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और हमने किस में पे किया कुछ मेंशन नहीं है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है, किस में होगा, कैश में होगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 450, तो अमाउंट हमने 450 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 30 का, अप्रैल 30 में दो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक है पेड सैलरी टू गोपाल। अब सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस मान सकते हैं, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सैलरी आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड टू गोपाल, ठीक है। उसके बाद रिसीव कमीशन, कमीशन हमने ये रिसीव किया है, तो रिसीव अगर किया होगा तो कैश में ही रिसीव किया होगा, तो इसलिए हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे, इसका एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या रिसीव किया हमने, टू कमीशन, कमीशन इज ए इनकम, एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम के बारे में क्या बोला है, क्रेडिट इनकम है ना, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया, टू कमीशन अकाउंट 200 फॉर कमीशन रिसीव। तो ये था सारा के सारा ट्रांजेक्शन का एक एक करके एनालिसिस, तो ये जो एनालिसिस मैंने करके दिखाया है ये आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा, ये दिमाग में करना होगा, और उसके बाद आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना होगा वो दिखाता हूँ मैं अभी। तो चलो इस ये जितना ट्रांजैक्शन था उसको डिवाइड कर करके लेता हूँ। पहले मैंने फर्स्ट अप्रैल 7 तक का ट्रांजैक्शन ले लिया, और उसका एंट्री ये देखो, ये जर्नल का फॉर्मेट है, मैंने पिछले क्लास में दिखाया था, एक कॉलम में डेट होता है, एक में होता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद होता है लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट, फर्स्ट वाला कॉलम डेबिट के लिए होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है क्रेडिट के लिए। जब जो अमाउंट कॉलम है उसमें हम लोग डेबिट क्रेडिट के साथ साथ ये भी जरूर लिखेंगे रुपीस, इसके लिए मार्क्स कटता है अगर नहीं लिखते हैं तो, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मेट में देखो, ये सारा एंट्री मैंने पहले ही दिखा दिया, इसको फॉर्मेट में कैसे डालते हैं वो चीज दिखा रहा हूँ। देखो अप्रैल 1 जब हम लोग डेट स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर में ईयर लिखेंगे 2019 एंड उसके नीचे अप्रैल 1, ठीक है। ईयर को हम एक ही बार लिखेंगे, सारा एंट्री में बार बार नहीं लिखेंगे, उसके बाद एक ही बार लिखने के बाद हम सिर्फ डेट को लिखते जाएंगे, और जब अगर ईयर चेंज होगा, मान लो नेक्स्ट ईयर में जाकर ईयर चेंज होगा तब फिर से एक और बार ईयर को लिखेंगे, और उसके बाद पूरा डेट ही चलता जाए, ठीक है। फर्स्ट वाला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट एकदम इसके बराबर में, लेजर फोलियो कॉलम में हमको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, तो ये कॉलम हमेशा ही खाली रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नहीं बनाएंगे, अगर नहीं बनाते तो हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। लेजर फोलियो कॉलम बना के ऐसा छोटा सा कॉलम बना के छोड़ देना बस, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ये डेबिट के एकदम बराबर में लिख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट कॉलम में लिख रहे हैं। देखो अमाउंट को लिखने का तरीका, मैंने कैश का यहाँ लिखा और कैपिटल का उसके ही बराबर में लिखा, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दूँ गलत हो जाएगा, कैश का डेबिट है कैश के बराबर में लिख रहा हूँ, कैपिटल क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट के कैपिटल के बराबर में लिख रहा हूँ क्रेडिट कॉलम में। जो जिसका डेबिट है उसका डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखना है, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट कॉलम में लिखना है। उसके बाद नरेशन दे रहा हूँ, नरेशन देने के बाद ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में, ये पार्टिकुलर्स है, सिर्फ पार्टिकुलर्स वाले कॉलम पे ही ये लाइन आएगा, ये पूरा नहीं खींच देना गलत हो जाएगा, ये फॉर्मेट जैसे वैसे फॉलो होगा। पार्टिकुलर्स कॉलम पे एक ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया रिकॉर्ड करना, नरेशन दे दिया हमने, तो पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर अप्रैल 2 का एंट्री, ठीक है, अप्रैल 2 का एंट्री देखो कितना है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 डेबिट कॉलम में एंड 20,000 क्रेडिट कॉलम में। और ये जो तरीका आप देख रहे हो डेबिट लिखने का, डॉट 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 देके मैंने एकदम लास्ट में डेबिट लिखा है, ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सर ने स्टाइल के लिए कर दिया, ये ऐसे ही आपको देना है, ठीक है। और अगर कोई सोचे कि थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते इसको, यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट डॉट 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 क्रेडिट, तो ऐसा नहीं करना है, ये स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है ना।
ऐसा करने से गलत हो जाएगा। क्रेडिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमने आगे टू लिख रखा है और इसके आगे थोड़ा सा स्पेस है, तो इसी से पता लग रहा है ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करने। अब देखो यहाँ पर मान लो ये मेरा एक पेज है और एक बहुत सारा ट्रांजेक्शन था, 30 तारीख तक का ट्रांजेक्शन था, लेकिन मेरा एक पेज में इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ तो अगले पेज में जाने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अंडरलाइन देखो किस तरीके से किया हुआ है, डेट कॉलम में नहीं किया, यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है और एक टर्म यूज किया है कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड लिख के मैं क्या करूंगा, डेबिट का टोटल यहाँ लिखूंगा एंड क्रेडिट का टोटल यहाँ लिखूंगा। इस बार हम दोनों बराबर लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं, कैरिड फॉरवर्ड दोनों बराबर लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद अगला पेज में जब मैं फिर से जनरल स्टार्ट करूंगा तब क्या होगा, कैसे करूंगा, देखो अगला पेज में दिखाता हूँ। ये जो अप्रैल 7 तक का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब इसके आगे का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना है, तो ये जो मैंने कैरिड फॉरवर्ड किया है बैलेंस, ये बैलेंस से स्टार्ट करूंगा। कैसे करूंगा, देखो ये मेरा दूसरा पेज है। अब देखो ये अप्रैल 7 के बाद का ट्रांजेक्शन है, कैरिड फॉरवर्ड में जो टोटल था वो मैं नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, ब्रॉट फॉरवर्ड ये वाला टर्म यूज करूंगा और शॉर्ट में इसको BF लिखते हैं, लिख के वो जो टोटल था उस पेज का एंड में उसको मैं ऊपर में लिख दूंगा और ये अंडरलाइन कर दूंगा। फिर से करने के बाद सेम वे में फिर से मैं ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। ये सारा ट्रांजेक्शन तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन समझाते समय दिखा दिया है कि इसका क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो इस पेज में मेरा कितना रिकॉर्डिंग हुआ, इस पेज में मेरा हुआ है अप्रैल 9 से लेकर अप्रैल 20 तक का, फिर से मेरा पेज खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से ये जो टोटल मैंने डाला है यहाँ से लेकर बाकी सारा का टोटल करके फिर से मैं यहाँ डालूंगा। तो ये 1,01,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 1,75,000। सेम वे क्रेडिट वे का क्रेडिट का भी कॉलम टोटल करूंगा, हमेशा डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल जो है सेम रहेगा। अभी मेरा और भी ट्रांजेक्शन बाकी है, ये अप्रैल 20 तक का हुआ है ना, अप्रैल 30 तक का ट्रांजेक्शन था। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा, तो बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो है 20 अप्रैल 24, अप्रैल 27, अप्रैल 29 एंड अप्रैल 30। तो अब जब नेक्स्ट पेज में मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तब क्या करूंगा, तब ये वाला टोटल नहीं, तब ये वाला टोटल को मैं आगे लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे कैरेट फॉरवर्ड लिखा है मतलब आगे लेके जाना है, और जब नेक्स्ट पेज में फिर स्टार्ट करूंगा मैं लिखूंगा ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये 1,75,000 मैं सामने लेके आया, उसके बाद अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 30 तक का ये ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड कर देने के बाद लास्ट में मेरे को क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है लास्ट में। ठीक है, ये 1,79,750, 1,79,750। तो ऐसे करके एक जर्नल प्रिपेयर किया जाता है। तो जर्नल का एक क्वेश्चन ही आपने देखा कितना बड़ा है, 1 से लेकर 30, एक पेज में तो आपका भी नहीं आएगा। तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड लिखें आप। ठीक है, वैसे और जो सिस्टमेटिक वे मैंने दिखाया है उसी सिस्टमेटिक वे में जो है आप रिकॉर्ड करें। और एक क्लास में जर्नल का सारा एंट्री समझ में नहीं आएगा, ये भी ट्रू है। तो आपको क्या करना होगा, यही क्वेश्चन को दोबारा एक बार स्टार्टिंग से देखना होगा, और एक दो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर मैंने सिंपल सिंपल जनरल एंट्रीज रखे हुए हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज भी होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं वही बताना शुरू करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से इतना श्योर है कि 60-70% समझ में आएगा अभी, उसको जब आप एक और बार देखेंगे एंड एक दो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करना है, जैसा मैंने बोला वैसे प्रैक्टिस करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक हम करेंगे, एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने वाला है, इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा था जो अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड एंट्रीज नहीं था, डिफिकल्ट एंट्रीज नहीं था, सब सिंपल सिंपल एंट्रीज था। ठीक है, अब ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे मैं एक एक करके जोड़ता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज होगा एंड कुछ कंपाउंड जनरल एंट्रीज भी होगा, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो या डेबिट हो रहा हो, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू।